आज की जो वीडियो होने वाली है, बजाज की पल्सर 125 आप लोगों को बहुत जल्दी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। कुछ कॉस्ट कटिंग करके कुछ फीचर्स को निकालने के बाद आप लोगों को इस बाइक का लुक्स दे दिया जाएगा 125 सीसी सेगमेंट में। बजाज पल्सर आरएस 125 को लॉन्च करने का मेन रीजन ये है क्योंकि आरएस जो 200 है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड हो गई है। अब कंपनी उसको अपडेट देने वाली है बहुत ही जल्द। उनका ये प्लान है कि क्यों ना इसी बाइक को हम एक 125 सीसी की लुक में लॉन्च कर दें और जो आरएस 200 आएगी उसको तो हम न्यू डिजाइन देंगे ही देंगे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बजाज की इस बाइक के अंदर आप लोगों को 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर 8 कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा जो कि BS6 कंप्लायंट इंजन होगा। पावर की अगर बात करें तो 12 bhp का मैक्सिमम पावर आपको 9000 आरपीएम पे मिल जाएगा और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क आप लोगों को 7000 आरपीएम पे देखने को मिलने वाला है इस बाइक में। यहाँ पर इंजन के पावर में आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेगा। न्यू कलर्स, न्यू ग्राफिक्स आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं इस बाइक के अंदर। जो वेट है वो भी इस बाइक का काफी हद तक कम होने वाला है। प्राइस तो डेफिनेटली कम होगा। टायर साइज हो गया, आप लोग ब्रेकिंग सिस्टम देखेंगे तो इन सारी चीजों के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि भाई नॉर्मल सी बात है। क्योंकि अगर आप लोग मान लो 1,20,000 रुपए भी पे कर रहे हो किसी बाइक के लिए और एक प्रीमियम सेगमेंट की 200 सीसी की बाइक का लुक आप लोगों को 125 सीसी में मिल रहा है तो ये एक बेटर ऑप्शन रहने वाला है आप लोगों के लिए। लुक्स में ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है, कहीं से भी आप लोगों को कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। जैसे NS200 है वैसे ही आप लोगों को NS125 देखने को मिलती है। कुछ चीजें चेंज है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो यहाँ पर सेम सीन यही होने वाला है RS200 के साथ, बिल्कुल सेम टू सेम आप लोगों को वही मस्कुलर डिजाइन देखने को मिलने वाला है बाइक के अंदर। फीचर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप RS200 को देखेंगे तो उसके अंदर आपको 6 स्पीड का गियरबॉक्स देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आपको कोई भी 6 स्पीड का गियरबॉक्स नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 स्पीड का गियरबॉक्स देखने को मिलने वाला है। स्पीड सीट होने वाली है, LED इंडिकेटर्स आप लोगों को मिलेंगे, 30 लीटर का फ्यूल टैंक। माइलेज की अगर बात करें तो माइलेज में यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को काफी हद तक बेहतरीन मिलेगी, 40 से 45 या फिर आप लोगों को उससे ज्यादा भी मिल सकती है। कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, अभी फिलहाल अगर आप लोग देखोगे तो आपको RC125 ही देखने को मिलती है इसके कंपैरिजन में। ब्रेकिंग सिस्टम की तो 300 mm की आपको सिंगल डिस्क देखने को मिलेगी, तो आपको 230 mm की आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगी, कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं देखने को मिलने वाली। 20x117 इंच के आप लोगों को फ्रंट में टायर मिलेंगे, 100x917 इंच के आप लोगों को रियर में ट्यूबलेस टायर बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। वेट जो है वो लगभग आप लोगों को 10 से 15 किलो कम देखने को मिलेगा अगर आप RS200 से कंपैरिजन करते हैं। 148 kg का आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखो वेट देखने को मिलेगा। इसकी कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो कुछ नए नए ग्राफिक्स वाले कलर्स भी आपको मिलेंगे, रेड हो गया, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, ये सारे के सारे आप लोगों को कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे इस बाइक के अंदर। टेलीस्कोपिक फोक्स आपको फ्रंट में मिलने वाले हैं, मोनोशॉक एब्जॉर्बर, मेन मेन चीजें वहीं पे कॉस्ट कटिंग की जाएगी जहां पर आप लोगों को शायद एक बार को पता भी ना लगे, ऐसा लगेगा यार क्या चीज कम करी है, वो बाइक तो देखने में ऑलमोस्ट वैसी है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो आप लोगों का जो प्राइस कॉस्ट कटिंग है वो तो डेफिनेटली करने वाली है। डायमेंशंस की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जो सीट हाइट है वो 810 mm आपको मिलेगी, ग्राउंड क्लियरेंस 157 mm, व्हील भी जो है वो 1345 mm का आपको मिल जाएगा जो कि ऑलमोस्ट सेम होने वाला है जो आपके RS200 अभी आती है इंडियन मार्केट के अंदर। प्राइस के बारे में तो देखो, NS125 का जो प्राइस है वो लगभग आप लोगों को 90 से 95 के आसपास में है, तो इस बाइक का जो प्राइस होने वाला है वो 1,10,000 से लेके 1,15,000, क्योंकि एक फुल्ली फेड मशीन होने वाली है। प्रोजेक्टर्स आप लोगों को मिल रहे हैं इस बाइक में, LED टेल लाइट आप लोगों को मिलेगी, LED आप लोगों को इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, तो ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्सपेंसिव जरूर अगर आप लोग NS125 से कंपैरिजन कर रहे हैं। ये बाइक आप लोगों को 2 से 3 महीने या फिर एंड ऑफ द ईयर आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी इंडियन मार्केट में। तो होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप लोग RS125 को एक अच्छा ऑप्शन समझेंगे एज RC125 की जगह। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।